पीआई प्रदीप सूर्यवंशी ने वाड़ी क्षेत्र की कमान संभालते ही क्षेत्र के होने वाले कारनामों पर अंकुश लगाया है। लॉकडाउन के दौरान भी बड़ी बेखूबी से वाड़ी की सुरक्षा की, किसी की आम जनता को बिना तकलीफ के कोरोना काल में नागरिकों को सहयोग किया, अवैध धंधे पर भी अंकुश लगाया। थाने में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता पूर्वक लेकर दोषियों पर कार्यवाही करने पीछे नहीं हटे। इस अच्छे कार्य को देखकर अपराध विरोधी खुफिया संगठन दिल्ली के पदाधिकारी मोहन ठाकरे ने सोमवार को वाड़ी पुलिस स्टेशन के चेंबर में पीआई प्रदीप सूर्यवंशी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सूर्यवंशी ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं, मेरे सभी पुलिस कर्मियों का है। लोगों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, वह हमेशा निभाते रहेंगे, बस नागरिकों का सहयोग चाहिए। क्षेत्र के अवैध धंधे पर पीआई सूर्यवंशी ने लगाम कसी है। यदि कोई अवैध धंधे में लिप्त है तो जानकारी दे कार्यवाही करेंगे। सूर्यवंशी के सम्मान कार्यक्रम में पूर्व नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े के हस्ते सम्मान हुआ। इस अवसर पर पूर्व नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस उद्योग व्यापार सेल प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन ठाकरे, जिलाध्यक्ष राजकुमार वानखेड़े, वंचित बहुजन आघाड़ी जिलाध्यक्ष विलास वाटकर, राजेश मानकर, वसंतराव खंडिनकर, मुरली मोहता, कृणाल मोरसकर, एकनाथ खैरकर, ईश्वर उके, दिनेश उइके आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। आज वाड़ी पोलीस स्टेशन च्या अंतर्गत अपराध विरोधी खुफिया संगठन या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून वाड़ी पोलीस स्टेशन चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीमान प्रदीपजी सूर्यवंशी यांचा कोरोना योद्धा म्हणून सत्कार करण्यात आलेला आहे। कोरोनाच्या काळामध्ये वाड़ी पोलीस स्टेशन अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्याकरता, त्याचप्रमाणे कोरोना संदर्भातील महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन यांनी दिलेल्या नियमांचे काटोकोरपणे पालन करून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाड़ी शहरामध्ये थांबवण्याकरता ज्यांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडली व महत्त्वपूर्ण योगदान या पोलीस स्टेशनचं या कार्यामध्ये राहिलेलं आहे, त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन बीसीएन न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।